दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी थाली जो एक राज्य की पारंपरिक थाली है और बहुत ही लोकप्रिय थाली है और लोग इसको डे टू डे में बनाते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें भी हर राज्य का खाना अगर हमें खाने को मिले और टेस्ट करने को मिले तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती। तो अपने इस वीडियो में मैं उस थाली का रेसिपी दिखाऊंगी और बिहार की मैं ऑथेंटिक थाली बनाने जा रही हूँ। बिहार में चावल बहुत खाया जाता है, चावल के साथ अलग अलग रेसिपियाँ बनाई जाती हैं, दाल रहता है, सब्जी रहती है, चटनी रहती है, रोटी भी खाई जाती है, पर चावल बहुत लोकप्रिय है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार की ऑथेंटिक थाली जिसमें भरवा बैंगन, आलू की दाल, चावल और टमाटर की चटनी रहेगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या ये थाली आपने पहले भी खाई है और क्या बनाते हैं हम बिहार की ऑथेंटिक थाली? मसाला भाई माला में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपको अपने परिवार को अपने हाथ से बना हुआ सिंपल टेस्टी बट हेल्दी खाना खिलाना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक कटोरी ले लेंगे, उसमें डालेंगे पिसे हुए मसाला पाउडर जिसमें हल्दी ले लिया मैंने, ले लिया है धनिया पाउडर, ले लिया है लाल मिर्च, जीरा पाउडर और ले लिया है मैंने आमचूर। सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने लिया है। लाल मिर्च लिया है आधा छोटा चम्मच, हल्दी लिया है एक चौथाई छोटा चम्मच, धनिया पाउडर लिया है मैंने आधा छोटा चम्मच और जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, आमचूर आधा आधा छोटा चम्मच है, सरसों ऑयल मैंने इसमें डाला है एक बड़ा चम्मच एंड सॉल्ट डाल दिया है। इसको मिक्स कर देंगे हम। आज सबसे पहले डिश बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें लंबे लंबे बैगन का इस्तेमाल किया है जो एक सीजनल बैगन है। बैगन भी अलग अलग वेराइटी के आते हैं आपको पता ही होगा। तो ये मैंने मसाला प्रॉपर तैयार कर लिया, सूखे मसाले हैं ये, तो मसालों का पाउडर है उसमें मैंने तेल वगैरह डाल के तैयार कर लिया है और बैगन को बीच में से ऐसे चीरा लगा लिया चार भाग में, आपको आप देख ही सकते हैं इस रेसिपी में। और सबको मैं इन जो लिक्विड बना रखा है मसालों के संग तेल के संग उसको भर लेंगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, सीजनल बैगन है, आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। विंटर का टाइम है, आराम से अलग अलग वेराइटी बैगन की आती है। इसी तरह से आप छोटे बैगन भी बना सकते हैं और आपने भरवा बैगन, बैगन का चोखा तो बिहार का बहुत ही फेमस, खाया भी होगा सुना भी होगा। स्टार्ट करते हैं, गैस ऑन कर ली, रख ली है कढ़ाई मैंने। डाल लेंगे सरसों का ऑयल, हम तड़का बनाने जा रहे हैं तो इसमें मैं तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। आप सरसों का तेल ना खाते हो तो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा है एक छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाला है, साबुत जीरा है दोस्तों। तो हमारा ऑयल गर्म होने के बाद हमने जीरा डाल दिया और अब डाल दिए लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च है एक से दो, बीच में से तोड़ के डाल देंगे क्योंकि भरवा बैगन को हम छौंकेंगे, उसको बनाएंगे सिम आँच पे यानी कि स्लो आँच पे। तो थोड़ा सा डाल देंगे हींग एक चुटकी जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और जो बादीपन होता है बैगन में वो भी नहीं रहेगा। एक से दो मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने एक बड़ा चम्मच, अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, कच्चापन दूर हो जाएगा। उसके बाद डाल देंगे दोस्तों ऑनियन, प्याज, दो छोटे प्याज मैंने इसके अंदर लिए हैं तो छोटे काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, भून लेंगे। गैस मेरा लो एंड लो मीडियम पर चल रहा है, इसको भी हल्का सा कच्चापन दूर कर देंगे इसका, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें मैंने दोस्तों लिए हैं दो से तीन छोटे आलू हैं, अगर बड़ा आलू है तो एक ही बहुत रहेगा, इसको छोटे टुकड़े में काट लेंगे लंबा लंबा, वो तो थोड़ा सा पतला काटेंगे जिससे बैगन के संग ये भी गल सकें। तो चला लेंगे इसको भी साथ में, क्योंकि बैगन हमारे जल्दी गल जाते हैं इसलिए आलू हम पहले डालेंगे। चला लिए आलूओं को भी हमने, देखिए हमने प्याज को ज़्यादा नहीं पकाया, भरवा बैगन बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें भी हल्दी डाल लेंगे और डाल लेंगे लाल मिर्च, तो हल्दी एक चौथाई डाल दिया चम्मच हमने, लाल मिर्च डाल दिया, आप लाल मिर्च का पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच हमने डाला है। चला लेंगे लाल मिर्च, इसमें मैंने एक चौथाई छोटा चम्मच डाला है। मसाले इसमें कम अपने हिसाब से आप कर सकते हैं क्योंकि बैगन में ऑलरेडी मसाले फील्ड हैं भरे हुए हैं। ये भी हमने चला लिया मसालों के संग सारी सब्जियों को, प्याज को और आलू को। अब जो मैंने बैगन भरवा तैयार करके रखे थे उसको इसमें अच्छे से जमा लेंगे, रख देंगे मतलब, ठीक है। और गैस हमारी स्टेम कर देंगे बिल्कुल स्लो, अपने हिसाब से ही अपने पानी में ये पकेगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि बैगन के अंदर नमक है, आलू भी डाला है, प्याज भी है, तो उसके लिए नमक हमें लगेगा, तो नमक डाल दिया हमने। अब इसको ढक देंगे, आँच कर देंगे बिल्कुल स्लो,
बीच में चेक करते रहेंगे। अब बनाने जा रहे हैं दूसरी डिश, टमाटर आलू की चोखा भी कह सकते हैं, चटनी भी कह सकते हैं, बिहार की बहुत ही टिपिकल डिश। यह आपको लिट्टी के संग भी खाने को मिलती है। तो मैं इस पर गैस पर भूनने जा रही हूँ। 3 मैंने मीडियम टमाटर ले लिए हैं, आप बॉम्बे वाला भी ले सकते हैं और खट्टा वाला टमाटर कोई भी ले सकते हैं। ऐसे पका कर बनाइए, बहुत सोना सोना खुशबू आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो घुमा घुमा के हम गैस पर पका लेंगे। अब इसको अपने पैन में भी पका सकते हैं, अगर ये वाला मेथड नहीं करना चाहते तो उसमें भी पका सकते हैं, ढक्के पर, थोड़ा सा इसमें खुशबू ज़्यादा आती है। तो चलिए पक गया हमारा, और इसको इधर अब हम कढ़ाई में जो हमने भरवा बैगन छौंके थे उसको भी चला लेंगे धीरे धीरे, पलटते पलटते इस तरह से। गैस स्लो ही रखना है, गैस को तेज नहीं करेंगे, स्लो पे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इधर हमारा जो टमाटर भून गया था उसको छील लेंगे। ठीक है, तीनों टमाटर को छील लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, बिहार की फेमस रेसिपी है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हैं। एक बार इसको ट्राई कीजिए, कैसी बनी मुझे कमेंट करके बताइए। ये मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं, पहले से प्री बॉयल करके रखे हैं, मीडियम आलू हैं। ये मैं इसके साथ मैश कर लूँगी। आलू आप 3 भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 या 3। तो मैंने 2 आलू लिए हैं और टमाटर, और इनको पहले मैं हाथ से मैश कर रही हूँ, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। तो पहले मैं टमाटर मैश करूंगी, उसके बाद मैं आलू मैश करूंगी इस तरह से। वहां पर तो घर घर में ये चीज बनती है बिहार में। और दोस्तों इसको आप एज ए सब्जी भी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी बनती है ये। लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बस थोड़ा सा आप मिर्ची कम कर दीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। तो मैंने ये कूटने वाले से इसको कूट रही हूँ, कोई लम्स ना रह जाए, थोड़ा सा स्मूथ बने हमारी। बीच बीच में जो मैंने सब्जी छौंकी हुई है उसको भी देखना ज़रूरी है। तो हल्का सा इसमें हम 2-3 चम्मच हल्का सा मैंने पानी का छीटा ट्रैक कह सकते हैं मारा है, जिससे थोड़ा सा और अच्छे से पक जाए। चलिए इधर मैंने लहसुन ले लिया है, 2 से 3 कलियां हैं, 1/2 इंच अदरक है और हरी मिर्च है 2 से 3, बारीक काट के डाल दिया है। और हरा धनिया लिया है मैंने, जो 1 मुट्ठी के करीब में हरा धनिया है। ये चीज़ें अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सरसों का तेल ले लिया 1 बड़ा चम्मच और डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, मैश कर देंगे। तैयार हो गया हमारा आलू टमाटर का चटनी या चोखा, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं। और सेम उसी तरह से बैगन भी पका के उसी तरह से बनाया जाता है। मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं लिट्टी और चोखे का। ये देखिए हमारा आलू और उसके टमाटर की चटनी तैयार हो गई। इधर हम अपनी सब्जी को भी देख लेंगे, सब्जी भी हमारी देखिए हल्का हल्का पूरे मसालों में अच्छे से कोट हो गई है और तैयार हो गया है। ढक देंगे इसको, अभी रेडी है, गैस ऑफ कर दिया मैंने। चलिए हम बनाने जा रहे हैं, 3रा नंबर है आलू की दाल, जो बहुत फेमस है, यूपी में भी इनफैक्ट खाई जाती है ये। तो इसके लिए मैंने ले लिया है जीरा, साबुत जीरा 1 छोटा चम्मच, धनिया 1 बड़ा चम्मच, कुछ दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, और गरम मसाला मैंने ले लिया है 2-2, 3-3 पीस सारे मिक्स करके। मैं इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उन सबको मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में और डाल दिया थोड़ा पानी। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे सारे मसालों को। मैंने 1 मिनट भून लिया था, जिससे मसालों का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो उधर मैंने पेस्ट बना लिया, इधर मैंने ले लिए हैं बॉयल आलू। ये 300 ग्राम आलू हैं, 5 से 6 पीस हैं आलू के, मीडियम आलू हैं। तो अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें भी लम्स नहीं रहना चाहिए इस तरह से। ये देखिए 5 से 6 पीस आलू के बॉयल आलू, प्री बॉयल्ड है, और मैंने छील के इनको मैश कर लिया और उसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। रख लिया गैस ऑन करके कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लिया मैंने, इसमें दोस्तों तेल लगता है और सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि वहाँ मुख्यतः सरसों का तेल खाया जाता है। आप जो तेल में खाते हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 1/2 कप के बराबर सरसों का तेल डाला है, 1 बड़ा चम्मच मैंने जीरा डाला है साबुत, और डाल दिया है 2 साबुत लाल मिर्चें तोड़ के और 2 तेज पत्ता। ये हमारा तड़के में जाएगा ये सब चीज़ें। तो
थोड़ा सरसों का तेल मैंने ज़्यादा डाला है, आप चाहें तो इसमें कम डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन, ददरा कूटा हुआ है मैंने अदरक और लहसुन को, उसको भून लिया मैंने, जिसमें मैंने जो लहसुन है वो मैंने एक बड़ा चम्मच और अदरक आधा इंच मैंने लिया था। अभी मैंने टमाटर डाल दिया, दो मीडियम टमाटर हैं। मसालों को हल्का हल्का हमने भूनना है। ये मैंने टमाटर दो छोटे पीसेस में काट के डाले थे, और ये मैंने डाल दिया हरी मिर्च, दो से तीन हरी मिर्च है बारीक काटा है, ये भी चला लेंगे। लहसुन अदरक भी भून गया था हमारा, और जीरा भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों। हमारा टमाटर हल्का सा मिक्स हो गया है सारे चीज़ों के साथ। अब ये जो मैंने मसाला पीसा है ना, जो मैंने तवे पे भुना था, ड्राई करके पेस्ट बनाया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है, चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, और डाल देंगे नमक, और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हल्दी डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी, और एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर आएगा क्योंकि मिर्च का हमने तड़का भी मारा है। तो हम मैंने थोड़ा सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, चला लेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ढक देंगे इसको एकदम उस पर धीमी आंच पे। अब ये मैं चावल बनाने जा रही हूँ, बॉयल चावल जो बहुत खाया जाता है वहाँ पे। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, पर ये मैं गोल्डन सिला बना रही हूँ। गोल्डन सिला मुझे बहुत पसंद है और खाया भी जाता है, तो इसको मैं पानी निकाल के बनाऊंगी। तो मैंने आधा किलो गोल्डन सिला चावल लिया है, जितना चावल होता है उसका डबल से भी ज़्यादा पानी लिया जाता है, ये देखिए। तो ये जो है 4 लीटर वाली पतीली है, तो मैंने डबल पानी लिया है, और आधा किलो चावल है, तो पानी उबलने पर चावल डाल दिया है, और अब उधर चावल पक रहा है, इधर हम अपने आलू वाली दाल का मसाला तैयार कर रहे हैं। देखिए मसाला भून रहा है, सारा तेल बाहर आ गया है मसाले से। अब इसी कंडीशन में हमने जो आलू मैश किया है वो डाल देना है। तो मसाला इस कंडीशन में भूनना है कि हमारा टमाटर भी भून जाए, और जो तेल है वो बाहर मसाले के बाहर दिखेगा, तो उस कंडीशन में हमने जो आलू मैश करके रखे हैं वो हम भूनेंगे। आलू भून गया, 2 से 3 मिनट आलू भूनना है इसी तरह से खुले उस पर कढ़ाई में। अब पानी डालेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है, पतली दाल खाते हैं आलू की उस हिसाब से, दाल जैसी खाते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। तो मैं थोड़ी सी लिक्विड ही बना रही हूँ, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो और जो अगर मान लीजिए आलू की कोई गांठ रह गई, तो उसे हम करछी से ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे। धनिया डाल लिया, एक मुट्ठी धनिया डाल लेंगे, हरा धनिया, इससे फ्लेवर काफ़ी खुशबूदार हो जाता है और टेस्ट भी इन्हेंस होता है। चलिए इधर चावल हमारा पकने लगा, ये देखिए पानी ऑब्जर्व हो गया। ये हमारा गोल्डन सिला बहुत पानी लेता है, तो जैसे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए पानी नीचे आने लगेगा तो पानी और भी डालिए, पानी हमेशा चावलों के ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए चावल पक के पानी और चावल ऐसे आपस में मिक्स से हो गए हैं। अब चावल चेक कर लेंगे, थोड़ा टाइम लेता है पकने में ये, पर टेस्टी बहुत लगता है। दबा के देख लेंगे चावलों को, ये चावल ऐसे डरने की बात नहीं होती, ऐसे चिपकते नहीं है जल्दी से। तो ये हमारा चावल तैयार हो गया, मैंने पानी निकाल लिया ढक्कन लगा के। आप छन्नी में भी छान के पानी निकाल सकते हैं, पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये उबले हुए चावल बन गए हमारे बगैर पानी के, जिससे स्टार्च निकल गया, अब ये हेल्दी चावल हो जाते हैं। वो रेडी हो गया हमारा चावल, रख दिया हमने पानी निकाल के सारा। इधर हम आलू की दाल चेक कर रहे हैं अपनी, ऐसे चला लेंगे। आलू उबल गया है, मसालों के संग एकदम मर्ज हो गया है, भिनी भिनी खुशबू आ रही है, रेडी हो गया है। चलिए गैस ऑफ कर दिया, उसको सर्व कर लेते हैं। ये आलू की तैयार, आलू की दाल बिल्कुल तैयार। चलिए अब मैंने थाली ले ली है, चावल डाल दिया इसके अंदर, ये भरे हुए बैंगन डाल दिए, आलू की दाल डाल दी, चटनी डाल दी। देखिए दोस्तों, इस थाली को देख के पक्का आपके मुंह में जरूर पानी आएगा। और थोड़ी भी थाली अच्छी लगे दोस्तों, तो कमेंट जरूर कीजिए, नीचे बेल का निशान ऐसा उसे प्रेस करना मत भूलिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए मेरे हस्बैंड इसको टेस्ट करके बता रहे हैं, और उन्हें तो ये बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। जब कहते हैं जी बिहार वाली थाली बनाओ, तो मैं ये तैयार करती हूँ।
और बहुत ही चाव से वो लोग खाते भी हैं। ये देखिए, थोड़ा समय लगता है लेकिन खा के मज़ा आ जाता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा दोस्तों, और क्या आगे आपके लिए बना सकती हूँ ज़रूर बताइएगा।